दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ इज वेल्थ में। मैं आज फिर एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है बायोपॉर्न सिरप। तो दोस्तों, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो नीचे देखिएगा रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे एक बार आप लोग क्लिक कर लेंगे ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और वहीं पर एक बेल आइकन आएगा, उसे भी आप लोग दबा लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। और दोस्तों, चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लेंगे क्योंकि मेरा हर रोज एक नई वीडियो आता है जो कि हेल्थ से रिलेटेड रहता है, जो कि सभी व्यक्ति को जरूरत पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के पूरे अंत तक बने रहेंगे बिना स्किप किए ताकि आपको पूरी जानकारी मिलेगी बिना कुछ छूटे हुए। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। यह दोस्तों बायोपॉर्न सिरप है जो कि 200 ml के पैक में आता है, जो कि देख सकते हैं आप लोग इस तरह का बॉटल में आता है। ये प्लास्टिक का बॉटल रहता है। इसका अनबॉक्सिंग पहले हम लोग कर लेते हैं जो कि देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी MRP दोस्तों होता है 95 rupees, यानी कि 295 rupees, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। यह दोस्तों लीफोर्ड कंपनी का आता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका लोगो लगा हुआ है और ये मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, आप परचेज कर सकते हैं। इसका जो होता है कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका कंपोजिशन दोस्तों होता है साइपोहेप्टाडिन हाइड्रोक्लोराइड ट्राइकोलिन साइट्रेट, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल से मिलकर ये बना हुआ है। तो ये किन किन चीज़ों में हम लोग को फ़ायदा करता है वो हम लोग पहले बात करते हैं। तो ये दोस्तों हम लोग को फ़ायदा करता है, जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को, बच्चे हो या एडल्ट में हो, अगर किन्हीं को भूख नहीं लगती है तो उस कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। यह दोस्तों लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा भूख बढ़ाएगी, और अगर आप 4 रोटी खाते होंगे तो हो सकता है आप 6 रोटी खाना कल से स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद अगर आपका सेहत नहीं बन रहा है तो उसमें ले सकते हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा सेहत बनने में आपको ये मदद करेगा। अगर आप दुबले पतले से परेशान हो चुके हैं, अच्छा खासा आपका बॉडी नहीं बन रहा है, चेहरा अच्छा खासा नहीं दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसे ले सकते हैं। अगर आपका शरीर अच्छा खासा नहीं रहेगा और बॉडी अच्छा खासा नहीं बना रहेगा, या तो आपको अंदर से भूख वगैरह नहीं लगेगा, खाना पीना अच्छा से नहीं खाएगा, तो आपके अंदर से चिड़चिड़ापन महसूस हो सकती है, कोई भी ढंग से काम आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको लेने से आपका मन हर वक्त ताज़ा रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके शरीर में खून की कमी होती है, तो अगर खाना आप नहीं खाते हैं तो उस कंडीशन से भी आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है, तो इसको लेने से आपको भूख बढ़ेगी। तो उसके बाद आपको खाना पीना भी अच्छे से खाइएगा, उसके बाद खून की कमी जो होता है उसको भी पूरा करता है, ये लेवल मेंटेन कर देता है। उसके बाद दोस्तों इसको जो है कि खाना अच्छे से पचाता है। अगर खाना आपको नहीं पच रहा है तो उसमें आप लेते हैं तो आपको खाना पचने में भी मदद करेगा। कुछ भी खाते हैं उसको अच्छे खासे से ये जल्द से जल्द पचाकर आपको फिर से भूख लगाने में मदद करती है। आपका जो होता है कि दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर आप कुछ भी खाते हैं उसको जल्द से पचाने में आपको ये काम करता है। आपका मल जो है कि वो भी साफ सुथरा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक बार जाइए पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर मोटे ताजे नहीं हो रहे तो उसमें भी ले सकते हैं, आपके शरीर को अच्छे खासे ये बनाने में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको वीकनेस रहता है, यानी कि कमजोरी फील बहुत ज़्यादा होता है, तो दोस्तों अगर आप खाना पीना अच्छे से नहीं खाएंगे, ढंग से नहीं खाएंगे, आपके शरीर में नहीं लगेगा, तो आपको वीकनेस उस वजह से भी हो सकती है, तो इसको ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको नींद नहीं आती है तो उससे भी नींद नहीं आती है, अगर अच्छे खासे नहीं खाते हैं आप खाना ठीक से, आपको कमजोरी महसूस होती है तो उससे चिड़चिड़ापन महसूस होगा, तो आपको जो है कि नींद भी नहीं आएगी, तो ये लेने से आपको वो नींद भी अच्छे से आएगी, क्योंकि खाना पीना अच्छे से खाइएगा, अच्छे से रहेगा तो नींद आएगी, ठीक है। उसके बाद इसका डोजेज की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इसका डोजेज होता है 10 ml 2 times, इसको जो है कि 3 times भी ले सकते हैं, ये एडल्ट का डोज है। अगर चाइल्ड में आते हैं 10 years के ऊपर के तो इसे 5 ml 2 times या तो 5 ml 3 times ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी साइड इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसका साइड इफेक्ट दोस्तों होता है, इसको लेने से आपके शरीर में दाना हो सकता है, इचिंग हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, चकत्ता हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, मितली हो सकता है, पेट में गैस बन सकता है, दस्त हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह का अगर होता है तो इस मेडिसिन को तुरंत बंद कर देंगे और अपने आसपास के डॉक्टर से जाकर तुरंत मिल लेंगे, ठीक है। और इसके बजाय कुछ और अगर दूसरा साइड इफेक्ट दिखता है तो उस कंडीशन में भी आप इसे तुरंत बंद कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो कुछ पूछना होगा, उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर देखिएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किन्हीं को एडवर्टाइजमेंट करवाना होगा तो स्पॉन्सर्ड के लिए कॉन्टैक्ट करना होगा, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसे लगे दोस्तों जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।